हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में, स्वाति व्लॉग फरीदाबाद। और आजकल मैं कम्युनिटी पोस्ट भी करती हूँ जब से मुझे मिली है, तो प्लीज़ उस पर भी आया करो, क्योंकि उस पर मैं अपना अपडेट देती रहती हूँ कि वीडियो आएगा कि नहीं आएगा। तो जो भी है अपने बारे में अपडेट करती रहती हूँ आप लोगों तक। और आज सुबह मॉर्निंग में हमने बनाए थे मूली के पराठे, और जो मेरी हाउस हेल्पर है उसने मेरी हेल्प की थी, तो हेल्प किया ज़्यादातर उसी ने बनाया था आलू का, सॉरी मूली का पराठा। तो मेरी दीदी के बेटे को मूली के पराठे काफ़ी पसंद है, तो मैंने उसको बोला था कि आज मूली के पराठे बना दे। तो अभी उसने आटा गूंथ दिया है, और पहले उसने मूली को मतलब छील के धो के कद्दूकस कर लिया है, और उसको खुपड़े से निचोड़ लिया है, जो कि बीच में बहुत सारा पानी उसमें ना आए। थोड़ी सी दिक्कत होती है जब मैं भी बनाती हूँ मूली का पराठा। तो अभी उसने उसमें धनिया और हरी मिर्च है वो डाली है, तो इसमें और जो सूखे मसाले हैं वो भी अभी ऐड करने हैं, अभी नहीं किए हैं। तो अभी इसमें लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा और नमक ऐड किया है, तो अभी जो कर रही है वो है जीरा पाउडर। जीरा पाउडर डालने से भी काफ़ी अच्छा उसमें टेस्ट आता है, तो अभी वो कर देगी मतलब कि इसको अच्छे से मिक्स, जो कि मूली में अच्छे से मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, ये ना हो कि कहीं नमक ज़्यादा आ रहा है कहीं कम आ रहा है। और वाकई में उसने काफ़ी टेस्टी बनाए थे, मेरा तो खाने का मन नहीं था, लेकिन बाद में मैंने भी ये मतलब कि डेढ़ पराठा खा लिया था। मैंने मना किया था मेरे मत बनाइयो, अपने और मेरी दीदी के बेटे के बनाइयो, और फिर देख मेरा भी मन कर गया था बाद में खाने का, तो मैंने भी डेढ़ पराठा खाया था। अगर आपको थोड़ी सी हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर देना। जब आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो बड़ी हिम्मत मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने की, कि हाँ लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, बड़ा मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ से। अगर आप शेयर कर सकते हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ मैं ये सब। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, कुछ कमी हो तो उसके बारे में भी आप हमको बता सकते हो। और मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी साथ में ज़रूर प्रेस कर देना, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो आप सभी जानते हो कि मेरे पापा हर मंगलवार को यहाँ पर हम लोगों से प्रसाद बंटवाते हैं, तो मैं नहीं गई थी तो इस बार मंदिर में, तो मेरी दीदी का बेटा और मेरे हस्बैंड गए थे आज प्रसाद बंटवाने के लिए। यहाँ चला था भागवत कथा का प्रोग्राम, और काफ़ी अच्छा डेकोरेशन कर रखा है मंदिर का, क्योंकि मैं भी वीडियो में ही देख रही हूँ आप लोगों की तरह ही।
और ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं कि उसको करने के बाद बहुत खुशी मिलती है, और हम सभी को ही कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिस काम को करने से हमें काफ़ी खुशी मिले। बताओ कितना विषय कश्यप पंडित जी ने कहा बताओ, तो तक्षक ने कहा कि ये बट के पेड़ को, बट का पेड़ होता है, बट के पेड़ को एक मंत्र मारो तो पूरा बट का पेड़ मंत्रों की शक्ति है, एक मंत्र पढ़कर के फेंकूंगा तो ये पूरा वृक्ष हरा हो जाएगा। सच लगा दी, कौन देखता है महाराज तक्षक नाम ने जैसे मंत्र मारा पूरा वृक्ष सूख गया। तक्षक नाम के पंडित जी ने मंत्र पढ़ करके जैसे जल का छींटा लगाया पूरा वृक्ष हरा हो गया। आज तक्षक नाम ने हाथ जोड़ी ध्यान है महाराज परीक्षित को एक हाथ उसने तक्षक नाम ने याद करवाया। Thank you.